हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डार्क नाइट मेटल का फाइनल एपिसोड, यानी कि डार्क नाइट मेटल 6। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं जिस आदमी से बैटमैन वुल्फ बात कर रहा था, उस आदमी की वो पट्टिया खोल रहा था और उसे बता रहा था, तुमने मेरे साथ बहुत वक्त बिताया है और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सब शुरू हुआ एक जर्नल से जो कि बर्डमैन के जरिए लिखा गया था। और तब हम देखते हैं बार्बाडोस को उस एंटी मॉनिटर टावर पर खड़ा हुआ और वो उसके जरिए पूरी अर्थ को सिंक कर रहा था। वही दूसरी तरफ नाइटमेयर बैटमैन सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स को, यानी कि एक्वामैन, ग्रीन लैंटर्न, डेडशॉट, प्लास्टिक मैन का एक और मिस्टर टेरिफिक को वहां पर ले आए थे बहुत ही बुरी हालत में। दूसरी तरफ अर्थ जो कि अब डार्क मल्टीवर्स में सिंक होकर डार्क मल्टीवर्स का ही पार्ट बन गई थी, वहां पर वंडर वुमन और लेडी ब्लैक हॉक लड़ रहे थे बाकी नाइटमेयर से। लेकिन लेडी ब्लैक हॉक कह रही थी कि ये बहुत सारे हैं, इनकी आर्मी एंडलेस है, हम इनसे जीत नहीं सकते। जिस पर कैनरा सॉन्डर्स से डायना कहती है हम थक तो गए हैं और हमें अब दम भी नहीं बचा, लेकिन हमें ये करना होगा और अगर मैं अपने दोस्तों को बुला पाती तो शायद हमें थोड़ी मदद मिल पाती। इस पर कैनरा उससे कहती है तुम अपने ब्रेसलेट और उस माइस के जरिए अपने दोस्तों को बुला सकती हो क्योंकि तुम्हारे ब्रेसलेट 8th मेटल से बने हैं और माइस 9th मेटल से, इस वजह से तुम एक वाइब्रेशन क्रिएट करके अपनी लीग को पुकार सकती हो। और वो वैसा ही करते हुए अपनी लीग को एक मैसेज भेजती है और जैसे ही लीग के मेंबर्स ये सुनते हैं तब उनमें एक जोश की लहर दौड़ जाती है और वो सभी उन सभी नाइटमेयर से लड़ने लगते हैं। लेकिन उनका ये जोश काफी नहीं पड़ रहा था उन नाइटमेयर से लड़ने के लिए। तब प्लास्टिक मैन से डॉक्टर हॉल्ट यानी कि मिस्टर टेरिफिक कहता है प्लास्टिक मैन मुझे पता है कि तुम सुन रहे हो और मुझे ये भी पता है कि तुम इस बात से डर रहे हो कि तुम अपने ऊपर का कंट्रोल लूज कर दोगे, लेकिन अगर तुम कोई भी डायनासोर, बुलडोजर या फिर शार्क बन के हमारी मदद कर सको तो अच्छा होगा। तब प्लास्टिक मैन अपने एक में से आवाज देता है डॉक्टर हॉल्ट तुम ये क्या कह रहे हो, सिर्फ एक क्यू, सभी क्यों नहीं। और वो तभी अपने आप को एक जाइंट ऑक्टोपस में बदल कर तीनों ही फॉर्म ले लेता है और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स भी उसमें ऐड करते हुए वो पाथ क्लियर करने लगता है डायना और लीग के दरमियान। दूसरी तरफ ये देखते ही डायना और लेडी ब्लैक हॉक बढ़ने लगते है उस पोर्टल की तरफ जो कि फोर्थ के लिए खुला था और वो दोनों ही उस फोर्थ के लिए आगे बढ़ने लगते है। तब उसके हाथ में अपना लासो देते हुए डायना कहती है मुझे इस फोर्थ में जाना होगा और बैटमैन और सुपरमैन को ढूंढ कर निकालना होगा। जब वो अंदर जाती है तब वो कहती है शायद मुझे वो लोग मिल गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस है। और तभी ये देखकर उस पर ड्रैगन ऑफ बार्बाडोस हमला करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हैमर उठाता है उसे मारने के लिए उसे लेडी ब्लैक हॉक आवाज देती है कार्टर हॉल के नाम से। और जैसे ही वो कार्टर हॉल नाम सुनता है वो अपनी याददाश्त फिर से पाने लगता है, लेकिन अपनी डार्क एनर्जी की वजह से बार्बाडोस अपने ड्रैगन को फिर से अपने कंट्रोल में ले लेता है। वही दूसरी तरफ अल्टीमा थूल में डिटेक्टिव चिम, साइबॉर्ग और फ्लैश, हाउस ऑफ हीरोज और बाकी बचे मल्टीवर्स के बैटमैन को इकट्ठा करके वहां पर आ चुके थे। वही दूसरी तरफ ड्रैगन ऑफ बार्बाडोस बड़ी ही बुरी हालत में था क्योंकि बार्बाडोस ने अपनी डार्क एनर्जी उस पर पूरी तरह से यूज कर दी थी, लेकिन डायना इस सब के बीच में उस फोर्स में कूद जाती है और वो बैटमैन और सुपरमैन को ढूंढने लगती है। तभी दूसरी तरफ लेडी ब्लैक हॉक ये ट्राई कर रही थी कि किसी तरह से हॉकमैन को अपनी असलियत याद आ जाए और जैसे ही वो आगे बताने लगती है तब एक जोकराज ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फोर्ज में एक स्पार्क उभर आया था क्योंकि हॉकमैन को अपनी असलियत पता चल चुकी थी। तभी मर्डर मशीन अपने लॉर्ड यानी कि बार्बाडोस को बताता है कि वहाँ पर एक स्पार्क आ चुका है और अब फिर से जाग उठी है, जिस पर वो कहता है उन्हें लाइट अप होने दो, उन्हें होप के साथ जीने दो, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो अभी मेरे रेल में है। और यहाँ पर हर एक चीज डार्कनेस की तरफ यानी कि मेरे तरफ आती है और मैं उनके टॉर्चर के लिए एक वर्ल्ड बनाऊंगा ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए उन्हें टॉर्चर कर पाए। और यहाँ बार्बाडोस पर बाकी बैटमैन हमला कर रहे थे और तब हम देखते हैं बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन को 10th मेटल वियर किए हुए और इसी के साथ हमें कार्टर हॉल के शब्द सुनाई देते हैं जो कि कह रहा था मैं हूँ कार्टर हॉल और मैंने एक हिस्ट्री बनाई, एक हिस्ट्री जो कि एक स्टोरी बन चुकी थी, एक स्टोरी इविल की, एक स्टोरी डार्कनेस की और एक स्टोरी हीरोज की। वही यहाँ पर 10th मेटल पहने हुए डायना, क्लार्क और ब्रूस प्लान कर रहे थे कि आखिर इससे निपटा कैसे जाए। इस पर वो कहते हैं हमें सबसे पहले माउंटर पर रखे हुए लोगों को वहां से हटाना होगा, वहीं से वो पावर अप हो रहा है। और इसी के साथ वो कहते हैं अगर हमें हमारे अर्थ को वापस सेटल करना है तो फिर हमें अल्टीमा थूल के जरिए इस 10th मेटल के वाइब्रेशन को मैच करके हम अपने मल्टीवर्स में वापस जा सकते हैं। लेकिन बार्बाडोस तब तक अल्टीमा थूल को जला चुका था। तब उनकी तरफ जोकराइज्ड ड्रैगन बढ़ रहे थे ताकि वो लोग उस माउंटेन पर ना चढ़ सके
इस पर सुपरमैन कहता है, ब्रूस मेरी पीठ पर चढ़ जाओ ताकि मैं तुम्हें उड़ा कर ले जा सकूं। लेकिन बैटमैन जोकर इस ड्रैगन को एक पंच मारकर उसकी नाक तोड़ते हुए उस पर सवारी करते हुए कहता है, नहीं मुझे अपनी सवारी मिल चुकी है। और तब वो देखता है कि एक्वामैन और ग्रीन लैंटर्न दोनों ही मुसीबत में थे, जिस पर वो अपने हाथ में टेंथ मेटल के बैटरीज बनाकर उनकी तरफ फेंकता है, क्योंकि टेंथ मेटल जो कि एलिमेंट एक्स के नाम से जाना जाता था वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्ज में बनता था और इसीलिए वो फॉर्ज मेटल था, यानी कि वो हमारी पॉसिबिलिटीज खुद ही तैयार कर सकता था। एट्थ मेटल जो कि अर्थ के गॉड इस्तेमाल करते थे। नाइन्थ मेटल जो कि डार्क एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो आदमी उसे पहन लेता वो उसे फिजिक्स के रूल तोड़कर कुछ पावर्स प्रोवाइड कर देता। लेकिन टेंथ मेटल इसकी बात ही अलग थी, जब उसे पहनने वाला कोई भी पहला शब्द बोल देता तो वो रिकॉर्ड हो जाता हॉल्स ऑफ किंग्स में। और उन टेंथ मेटल की बैटरीज के साथ एक्वामैन और ग्रीन लैंटर्न दोनों ही टेंथ मेटल वियर कर लेते हैं और उनका आर्मर पहनकर वो नाइटमेयर्स को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बचे हुए सारे हीरोज यानी कि डॉक्टर फेट, ग्रीन एरो, नाइटविंग, रॉबिन, स्टारफायर और बाकी बचे हीरोज लोगों की मदद कर रहे थे। और यहाँ पर ये सब देखकर बारबाडोस अपना आपा खो चुका था। लेकिन तभी कार्टर हॉल आकर अपने हैमर से एक जबरदस्त वार करता है बारबाडोस पर। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं बैटमैन हु लाफ्स को, जिसे बारबाडोस कह रहा था आखिरी प्लान का वक्त आ चुका है, आखिरी प्लान शुरू करो, जिस पर वो उस आदमी की पट्टियां निकालता है जो कि पहले से उसके साथ था। और तब हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि ओवर मॉनिटर था और वो उसके सामने एस्ट्रल ब्रेन रखकर कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि सब कुछ तबाह हो जाए। इस पर ओवर मॉनिटर कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये ब्रेन मेरे साथ अटैच मत करो। इस पर वो कहता है, मैं करूंगा क्योंकि मुझे ये मल्टीवर्स तबाह करना है। पॉजिटिव पॉइंट यानी कि तुम, निगेटिव एनर्जी यानी कि एंटी मॉनिटर का एस्ट्रल ब्रेन और डार्क एनर्जी यानी कि मैं एक साथ मिल जाए तो सब कुछ तबाह कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही बैटमैन वहां पर आ जाता है और वो उसे कहता है, क्या तुम इस चीज को बैटकेव कहते हो। इस पर बैटमैन हु लाफ्स कहता है, तुम्हारा सूट यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस है, तो बिना सुपर पावर्स के सिर्फ तुम और मैं हूँ। और वो अपने जोकराइज्ड रॉबिन से कहता है कि उसे मार दो। लेकिन बैटमैन वो शख्स था जिसने आम बच्चों को रॉबिन बनाया था और वो उनसे निपटना बखूबी जानता था और वो उनके ऊपर स्मोक बॉम्ब फेंकते हुए वहां से चला जाता है। दोनों के बीच काफी हाथापाई के बाद बैटमैन हु लाफ एक पिस्तौल से बैटमैन के पेट में गोली मार देता है और उसे बताता है कि ये वही गन है जिससे हमारे पेरेंट्स को मार दिया गया था। मैं इसे यादगार के तौर पर रखता हूँ, मैं इसे ये याद करने के लिए रखता हूँ कि हमारे माता पिता अपने इथिकल कोड्स के वजह से मारे गए जो कि मैं कभी भी फॉलो नहीं करता। और तब बैटमैन कहता है, अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ। और वो कहता है, मैं यही सुनना चाहता था, आखिर तुम बैटमैन हो, तुम इतनी आसान मौत कैसे मरोगे। लेकिन तभी बैटमैन हु लाफ्स पर एक गोली चलती है और हम देखते हैं कि वो गोली जोकर ने चलाई थी। और बैटमैन हु लाफ्स ये समझ जाता है कि ये चाल बैटमैन की है, क्योंकि उसे पता था कि बैटमैन के साथ बैटमैन हु लाफ्स कभी जीत नहीं सकता। लेकिन अगर वो जोकर के साथ आए तो बैटमैन हु लाफ्स को आसानी से हरा सकता है। और एक खतरा भापकर दोनों को ही पीछे छोड़कर उस मशीन की तरफ बढ़ रहा था एक्सप्लोजन करने के लिए। लेकिन तभी बैटमैन और जोकर मिलकर उसकी उंगलियां तोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस माउंटेन पर कि सारे नाइटमेयर्स को हीरोज एक एक करके मार रहे थे। दूसरी तरफ डायना एक ब्रेसलेट बनाकर हॉक गर्ल की तरफ फेंकती है और वो टेंथ मेटल के साथ बारबाडोस के सीने के आर पार हो जाती है, इस वजह से बारबाडोस घायल हो जाता है। यहाँ पर बैट के गिरने की वजह से बैटमैन ओवर मॉनिटर को लेकर वहाँ से निकल चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरोज कह रहे थे कि बारबाडोस इससे जल्दी उबर जाएगा, लेकिन इससे हमें कुछ वक्त मिल जाएगा, लेकिन हमारी आखिरी होप वो एंटीना है। लेकिन ओवर मॉनिटर बताता है कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी जो वेल्ड किया है वो टेंथ मेटल है और वो अपने आप में ही एक फॉर्ज है, इस वजह से वो कुछ भी कर सकता है। जिस पर बैटमैन कहता है, आपका कहने का मतलब ये है कि जो टेंथ मेटल अभी हमने पहना है हम उसकी मदद से एक दूसरे से कनेक्ट होकर और पीपल को हमारे साथ कनेक्ट करके हमारी अर्थ को वापस जगह पर पहुंचा सकते हैं। इस पर ये सुनते ही लीग के सारे मेंबर्स जिन्होंने टेंथ मेटल पहना हुआ था वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उस टेंथ मेटल के साथ और लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। और ऐसा करते वक्त वो इतना सारा कॉन्सेंट्रेशन खर्च करते हैं कि वो सोर्स वॉल्व तक को तोड़ देते हैं, जो कि सारे मल्टीवर्स के बीच में एक वॉल थी जो कि सारे मल्टीवर्सेस को एक दूसरे से अलग रखती थी। लेकिन अब वो वॉल टूट चुकी थी और अब बहुत बड़े खतरे जो कि उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होंगे वो अब सामने आने वाले थे। और आगे हम देखते हैं ब्रूस वेन के घर में सारे हीरोज पार्टी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद ब्रूस वेन, क्लार्क केंट और डायना हॉल ऑफ जस्टिस और बाकी के मैप्स देखने लगते हैं, क्योंकि अब ऐसा खतरा आने वाला था जो कि बारबाडोस से कई बढ़कर था।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है दूसरे किसी वीडियो या फिर कोई भी कॉमिक के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।